बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। देश में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया में तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। इससे देश का युवा वर्ग खासा नाराज है। पैसे लेकर भर्ती करने की शिकायतें मिल रही हैं। भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। कई राज्यों में सालों तक खाली पदों के लिए आवेदन नहीं मंगाए जाते थे, फिर कई सालों बाद इकट्ठे हजारों पदों के लिए आवेदन मंगवा कर घोटाले को अंजाम दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला नागपुर में पुलिस भर्ती के दौरान भी हुआ है। 28 अक्टूबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 के दरमियान पुलिस मुख्यालय पुलिस लाइन टाकली नागपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। पुलिस भर्ती के लिए जयपाल कारभारी कंकरवाल नामक युवक ने भी आवेदन किया था। उसने इस नौकरी को पाने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया। दरअसल उसे पता चला कि औरंगाबाद स्थित रघुनाथपुर वाड़ी का विशाल लखवाल इस तरह की परीक्षाओं में पैसे लेकर पास करवाने का धंधा करता है। उसने विशाल से संपर्क किया और तोल मोल करते हुए लगभग 13 लाख रुपए पर बात बनी। पैसे लेने के बाद विशाल ने उसे नौकरी के प्रति आश्वस्त कर दिया और खुद ही परीक्षा देने बैठ गया। चूंकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी, इसीलिए वह परीक्षा में पास भी हो गया। लेकिन प्रक्रिया अभी बाकी थी। शारीरिक जांच के पहले दस्तावेज सत्यापित किए जा रहे थे। फोटो देख शक हुआ और वह अधिकारियों की नजर में आ गया। पूछताछ में पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया और जयपाल के पुलिस बनने का सपना अधूरा रह गया। पुलिस कार्यालय नागपुर शहर के मानव संसाधन विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक मिलिंद सुखदेव राव ताइड़े ने गिट्टी खदान थाने में इस मामले की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी जयपाल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस प्रकरण की जांच गिट्टी खदान पुलिस के बजाय अपराध शाखा पुलिस विभाग को सौंप दी। अपराध शाखा पुलिस विभाग के उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में पुलिस भर्ती धोखाधड़ी प्रकरण की जांच शुरू हो गई। इस मामले में बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। उन सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो सकती है जो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह देश की लचर होती व्यवस्था का एक नमूना है, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी के बीच पैसे देकर नौकरियां हासिल करने का खुला खेल चल रहा है। न जाने कितने जयपाल और विशाल जैसे लोग इस धोखाधड़ी के अहम किरदार हैं। देश के कई राज्यों में नियुक्तियों से संबंधित घोटाले हुए। हैरत यह है कि व्यवस्था उसी तरीके से काम कर रही है। एक कार्रवाई के बाद भी व्यवस्था में सड़न बरकरार रहती है। भर्ती के लिए पैसे लिए जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक होते हैं। कई घटनाओं के सामने आने के बाद भी भर्ती में धांधलियां रोकने के लिए साफ सुथरी व्यवस्था को सरकारों और भर्ती के लिए जिम्मेदार आयोगों ने विकसित नहीं किया। राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग घोटाले के प्रमुख केंद्र बने रहे। भर्तियों के दौरान पैसे लेकर नियुक्ति के कई मामले भी सामने आए हैं। देश का शायद ही कोई राज्य होगा और शायद ही कोई परीक्षा होगी जहां धांधली का ग्राफ ऊंचा ही ऊंचा उठता ना गया हो। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख आधुनिक होते गए, धांधलीबाज जहां चाहा वहां राह बनाते गए। बल्कि परीक्षाएं ऑनलाइन होने के बाद तो जैसे घोटालों में तेजी सी आई है और घोटालेबाज खुलेआम व्यवस्था को चुनौती दे से नजर आ रहे हैं। वजह नौकरियों के घटते मौके हो या कुछ और, लोग भी इन परीक्षाओं में पास होने के लिए लाखों की रकम देने को तैयार बैठे हैं। वैसे इसका कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हर साल यह धंधा कई 100 करोड़ रुपए का होता है। चाहे फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में प्रॉक्सी के जरिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाला मुरली प्रसाद शर्मा हो, वाईजी इंडिया में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने दूसरे के प्रश्न पत्र हल करवाने वाला राकेश सिंह हो, या जॉली एलएलबी 2 में माइक पर परीक्षार्थियों को नकल करवाने वाला वकील जगदीश्वर मिश्रा हो, ये सब फिल्मों के ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी किरदार हैं।
वर्ष 2002 में पंजाब में एक बड़ा नियुक्ति घोटाला सामने आया था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई में पंजाब लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष रवि सिद्धू को भर्ती के लिए पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। रवि सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में लोक सेवा आयोग की भर्ती में हुए कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। विजिलेंस ब्यूरो की जांच में पता चला कि पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले हर पद की बोली लगती थी, इसमें खुद रवि सिद्धू शामिल थे। रवि सिद्धू को इस कैश फॉर जॉब स्कैम में निचली अदालत से 7 साल की सजा भी हो गई है। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी कई बार भर्ती के दौरान घोटालों के आरोप लगे। हरियाणा लोकसभा आयोग पर तो कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत कई लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने सजा सुनाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में 50 से ज्यादा लोगों को सजा हुई। इस भर्ती घोटाले के खुलासे के दौरान पता चला कि भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की 2 सूचियां बनाई गई थी। यही नहीं, हरियाणा के एक पूर्व संसदीय सचिव और एक पूर्व मंत्री पर नौकरी के एवज में पैसे लेने के आरोप लगे। दोनों को इसी मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। जब भी बढ़ती बेरोजगारी से उपजी समस्या के विकराल होने जाने का सवाल उठता है तो सरकारें या तो इसकी अनदेखी करती हैं या फिर धन और रिक्तियों पद अभाव आदि की दलील देने लगती है। लेकिन रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था का समूचा ढांचा एक दूसरे के जिस तरह अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, इस समस्या की अनदेखी या इस पर पर्दा डालने की कोशिश का आखिर क्या हासिल होगा? यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब एक ओर बेरोजगारी के आंकड़े रोज नई ऊंचाई छू रहे हों और दूसरी ओर खुद सरकारी महकमों में लाखों पद खाली पड़े हों। इसके अलावा नौकरियों में कटौती की खबरें भी परेशान करती हैं। बंगलुरु स्थित अंजन प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत में 2016 से 2018 के बीच करीब 50 लाख लोगों की नौकरियां चली। जब परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगी तो कहा गया कि इसमें धोखाधड़ी संभव नहीं, इनमें प्रश्न पत्र कागज पर ही छपते हैं, विशेषज्ञ सवालों का बैंक तैयार करते हैं और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम उन्हें चुनता है। प्रश्न पत्र टेस्ट सेंटर पर भेजे जाने से पहले एनक्रिप्टेड होते हैं, परीक्षार्थी के क्लिक करने पर ही वह खुलता है। परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र भी अलग अलग होते हैं, तब इस तरह की धांधली कैसे? सबूत है मध्य प्रदेश में सामने आया मामला भी। जबलपुर की मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कई कॉलेजों में गत वर्ष जून में BDS और नर्सिंग की परीक्षा हुई। कई छात्रों के परीक्षा में न बैठने के बावजूद पास होने और कुछ के नंबर बढ़ाए जाने की शिकायतें आई। आरोप था कि इन छात्रों से 10 से 50 हजार रुपए लिए गए। जांच के लिए समिति बनी जिसने यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर समेत कई कर्मचारियों और माइंड लॉजिक इंफ्राटेक नाम की निजी कंपनी को दोषी पाया। कंपनी को प्रश्न पत्रों की डिलीवरी करने और रिजल्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया था, जबकि आगरा यूनिवर्सिटी ने पहले ही उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। समिति की रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। कंपनी पर छात्रों की आंसर शीट सीधे यूनिवर्सिटी को देने के बजाय उन्हें अपने पास रखने और नंबरों में हेरफेर करने का आरोप था। परीक्षा घोटालों से शायद ही कोई प्रदेश अछूता हो। असम में पिछले साल सितंबर में 557 सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण रद्द करना पड़ा। इसके लिए 66,000 से अधिक लोगों ने आवेदन भी किया था। इसमें असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण के भाई और करीमगंज के SP कुमार रंजीत कृष्ण, पूर्व DIG PK दत्ता और भाजपा नेता दीवान देका समेत 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई और 12 मई 2020 को नतीजे घोषित किए गए। लेकिन 150 में से 142 अंक पाने वाले धर्मेंद्र पटेल देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सका तो घोटाले का खुलासा हुआ। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी। ऐसे घोटालों में दक्षिण के राज्य भी पीछे नहीं। तमिलनाडु में 2019 में नीट परीक्षा में असली की जगह नकली परीक्षार्थी बिठाने का मामला सामने आया था। पिछले दिनों राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप 4 के लिए आयोजित परीक्षा में पता चला कि टॉप 100 में से 40 परीक्षार्थियों ने रामेश्वरम और किलाकराई केंद्रों पर परीक्षा दी थी। जांच में धांधली का गजब का तरीका सामने आया।
परीक्षार्थियों से दो कलम इस्तेमाल करने को कहा जाता था। साधारण कलम से नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि लिखा जाता था। दूसरी कलम से आंसर शीट भरी जाती थी। उसमें ऐसी स्याही होती थी जिसकी लिखावट कुछ घंटे बाद उड़ जाती थी। बाद में रिकॉर्ड क्लर्क की मदद से आंसर शीट लेकर गायब हो चुके जवाब की जगह सही जवाब लिखे जाते थे। इस मामले में चेन्नई के अजय कुमार नाम के शख्स को पकड़ा गया था। धांधलीबाजों ने विदेशी संस्थानों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी नहीं बख्शा। अमेरिका और कनाडा के शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए GRI अर्थात ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन परीक्षा होती है। कोरोना के दौर में घर से परीक्षा देने की छूट दी गई। धांधलीबाज परीक्षार्थी को घर से ही परीक्षा देने का विकल्प चुनने के लिए कहते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें किसी खास इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है। वहां परीक्षार्थी के सामने कोई जानकार बैठता है। एक खास एंगल से मोबाइल फोन से परीक्षा के स्क्रीन से सवालों की फोटो ली जाती है, जिसके बाद सामने बैठा विशेषज्ञ पर्ची या हाथ के इशारे से सही जवाब बताता है। पहले GRI से औसत अंक 270 से 280 होता था, लेकिन घर में परीक्षा का विकल्प मिलने के बाद यह बढ़कर 310 से 325 हो गया। अंक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने पैसे दिए हैं। हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर समेत कई शहर इस धोखाधड़ी के केंद्र बन गए हैं। परीक्षा घोटाले का पहला बड़ा मामला 2003 में तब सामने आया जब CBI ने बिहार के नालंदा जिले के गांव खद्दी लोदीपुर निवासी सुमन कुमार सिंह और रंजीत कुमार सिंह और रंजीत डॉन को दिल्ली में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कैट परीक्षा के पेपर लीक करवाने के मामले में हुई थी। जांच में पता चला कि वह मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने का नेटवर्क चलाता था। वह 1.5 साल जेल में रहा, लेकिन गिरफ्तारी से पहले करीब 1 दशक तक उसने शाही जिंदगी जी। उसके पास कई आलीशान मकान और महंगी कारों का काफिला था, यहां तक कि वह हेलीकॉप्टर खरीदने की भी सोच रहा था। हर साल लाखों लोग प्रवेश या नौकरी की परीक्षा देते हैं, उन पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर होता है। इतनी बड़ी आबादी के प्रभावित होने के बावजूद कम लोगों को ही घोटाले की सजा मिलती है। सजा तो छोटे मोटे लोगों को ही हुई, पैसे लेने वालों को तो ज्यादातर बच ही गए। CBI के हाथ में जाने के बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई। सवाल है कि क्या किसी भी राज्य में असली गुनहगारों को सजा हुई? शायद नहीं। देश में परीक्षा घोटालों की लंबी फहरिस्त है। फहरिस्त लंबी, उसमें शामिल गुनहगारों की भी है, लेकिन सब कागजों में ही है। परीक्षाएं फिर होंगी, घोटाले की एक और कड़ी जोड़ेगी, क्योंकि समाज में जयपाल जैसे परीक्षार्थी हैं तो उनसे पैसे ऐंठने वाले विशाल जैसे शातिर खिलाड़ी भी। हमें ये दोनों नहीं चाहिए। विश्वास सफलता की पहली कुंजी है। खुद पर विश्वास रखें और किसी विशाल के झांसे में न आए, अन्यथा जयपाल की तरह कभी किसी नौकरी के काबिल नहीं रह पाएंगे। रिजेक्टेड फॉर एवर का थप्पे से बच जाएं और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने दें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही ताजे मामले के साथ जो आपको एक और सच का आईना दिखाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।